जहन में चलती रहती है हजारों आरती आजान, तेरे हर रोम में अब राम है, दिल में रमे रही माँ। और ये अवस्था आ जाने के बाद क्या होता है, फिर एक साहस जागता है भीतर से, फिर आप डरपोक नहीं रह सकते, नपुंसक रहने का फिर कोई उपाय नहीं रहेगा। धर्मों ने, गुरुओं ने, परंपराओं ने आदमी को नपुंसक बना दिया है। आदमी डरता है हर बात से, ऐसा करूंगा तो ये पाप लगेगा, ऐसा करूंगा तो ये पाप होगा, ऐसा करूंगा तो वो पाप लगेगा, ऐसा खाऊंगा तो ये लगेगा, डरपोक बन गया आदमी। हकीकत क्या है, खुद ने तो जाना ही नहीं है, किसी के कहने पर चल रहे हैं। किसी ने कहा कि आगे मत जाना शेर है, दूसरे ने कहा वहां शेर है, तीसरे ने कहा वहां शेर है, वहां गिदड़ भी नहीं था लेकिन कह दिया तो लोगों का जाना बंद, रास्ता बंद। ये परिस्थिति हो रही है आज के धर्म की और समाज की। लेकिन एक बार जब हजारों आरती और आजान जहन में ही चलने लगती है, आपके भीतर ही, तब फिर क्या होता है, फिर कोई टांग अड़ाएगा ना, कोई परंपरा या कोई तथाकथित मजहब टांग नहीं अड़ा सकता। साफ लिखा है मैंने, तू कह दे मुल्ला वाइस को दखल अंदाज मत करना, तू कह दे मुल्ला वाइस को मेहरबानी करके अब दखल अंदाज मत कर, तू कह दे मुल्ला वाइस को दखल अंदाज मत करना, इलम ऐसा दिया है जिसके दिल में, इलम ऐसा दिया है जिसके दिल में भी उजाला है, इलम ऐसा दिया है जिसके दिल में भी उजाला है। टांग अड़ाते हैं कौन, पंडित, मुल्ला, पादरी, वही तो टांग अड़ाते हैं ना। और उनमें जो ज्ञानी है, पहुंचे हुए होश वाले हैं, वे तो स्वतंत्रता ही देते हैं कि जान लो आप में ताकत है तो, हमने अनुभव किया आप अनुभव कर लो। लेकिन जिसके पास कोई अनुभव ही नहीं है और जो बैठ गए हैं, वे लोग जब तक टांग नहीं अड़ाते तब तक उसका अहंकार पुष्ट नहीं होता है, तो टांग अड़ाना शुरू हो जाता है बड़ों का। उस बड़ों में हो सकते है कि घर में माँ बाप भी हो, दादा भी हो, या कोई मंदिर मस्जिद वाला भी हो। तो कह दे मुल्ला वाइस को, कह दे कथाकारों को, मुल्लाओं को बोल दे तू दखल अंदाजी मत करना, अब आप दखल मत करना। बहुत गहन समर्पण के बाद और कड़ी साधना के बाद और परम कृपा के बाद ये अवस्था मैंने पाई है, अब इसमें दखल अंदाजी मत करना, ये गलत है ना, ऐसा करो ना, ऐसा मत करो ना। आप में एक हिम्मत आ जाएगी, जब हजारों आरती आ जान आपके भीतर शुरू हो जाएगी, तब आप साफ साफ बोल पाएंगे आपके सामने कोई भी खड़ा हो उसको, दखल अंदाजी मत करना, इलम ऐसा दिया है। लोग कहते दिया तले अंधेरा, लेकिन मैंने लिखा है कि मेरा अनुभव है कि इलम ऐसा दिया है जिसके तल में भी उजाला है, इलम ऐसा दिया है जिसके तल में भी उजाला है। है ब्रह्म को पालना, ब्रह्म को बढ़ावा देना, ब्रह्म को सत्य ठहराना, ब्रह्म की परंपरा चालू रखना, ये तथाकथित धर्म गुरुओं का पेशा बन गया है। लेकिन अगर आप जाग जाओगे तो और लोगों को भी जगा पाओगे, तो और इनोसेंट लोग जिसके ऊपर ज्यादा परते नहीं चढ़िए, वे लोग भी इस मार्ग पे चल के हजारों आरती और आजान उनके भीतर में भी चलती रहेगी, और वो धुन में, उस ध्यान में, उस मस्ती में, उस नाच में जीते जी मोक्ष को पा लेंगे। एक जागा हुआ है तो दूसरे को जगाएगा, लेकिन लोग टांग अड़ाते रहेंगे और आपको नहीं जागने देंगे, या कहेंगे कि नहीं नहीं अभी सुबह हुई ही नहीं, तेरा सूरत तो गलत है,
सकते, सूरज नहीं है कुछ और है, और लोग मान भी लेते। बड़ों का कमेंट कितना भयंकर होता है, एक बात बताऊं। एक तीरंदाज था, अच्छा तीरंदाज था, तो तीरंदाज ने उसके बेटे को कहा कि चल नदी के किनारे जाते, आज मैं तुझे बताऊंगा उड़ते पंछी को निशाना लेकर गिराऊंगा। उड़ते पंछी का भाई कैसे ले निशाना, निशाना लेने में स्थिरता तो चाहिए। बोले उड़ते पंछी का निशाना लेकर मैं तुझे आठवीं अजय भी बताऊंगा दुनिया की। बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चा इम्प्रेस हो गया, बच्चा गया बाप के साथ, उड़ता पंछी था, तीरंदाज ने तीर चलाया, पंछी ने निशाना चुका दिया, पंछी उड़ता रहा। बच्चे ने कहा नहीं तीर चला पाए, आपका निशाना फेल गया। तो वो तीरंदाज बोले नहीं नहीं बेटा, तुझे पता नहीं है ये आठवां अजूबा है दुनिया का, मरने के बाद भी पंछी उठ रहा है, उड़ रहा है देख के। ये बाप का अहंकार। छोटों को, बच्चों को, भक्तों को, शिष्यों को भ्रम को कैसे पालना, यही सिखाया जाता है। कहां जाएगी दुनिया, किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा। और लोग मुझे कहते हैं कि गुरुमैया आप इतना सारा बोलते हैं, लेकिन आज तो जमाना बदल गया है, लोगों का रस बदल गया है, लोग कुछ और सुनने के लिए ही राजी होते हैं, ये सब कौन सुनेगा। मैंने कहा जो कोई बोल रहा है तो कोई सुनने वाला भी पैदा होगा। खैर दोस्तों, मिट्टी के दिए के तले अंधेरा होता है, लेकिन इलम ऐसा दिया है जिसके तल में भी उजाला है। इलम है मध्याह्न का सूर्य, मध्याह्न के सूर्य को सहन करना भी कठिन होता है, लेकिन इलम मध्याह्न का सूर्य है। और मध्याह्न के सूर्य के नीचे खड़े रहेंगे ना तो परछाई खो जाएगी, कहीं भी अंधेरा दिखेगा नहीं। सूरज आगे होगा तब परछाई होगी, सूरज पीछे होगा तभी भी परछाई होगी, छोटी या मोटी, परंतु मध्याह्न पे सूर्य जब होगा और आप इसके नीचे खड़े होंगे तब परछाई अदृश्य हो जाएगी। प्रैक्टिकल करके देख लेना। तो ज्ञान एक ऐसा दिया है कि मध्याह्न का सूर्य, उसे सहन करना भी कठिन होता है उस ताप को। अच्छे अच्छे डर गए हैं, अच्छे अच्छे हाँ। मोहम्मद को जब हुआ ज्ञान तब मोहम्मद खुद कांप गए थे, डर गए थे कि मुझे क्या हो गया। तब उसकी पत्नी ने कहा, पत्नी बड़ी थी उससे, बहुत समझदार थी, तब उसकी पत्नी ने कहा कि आपको ज्ञान की किरणें उतर रही है आप में, लेकिन वो सहन नहीं कर सकते आप। और पत्नी सहयोगी बन गई, देखो मार्गदर्शक बन गई। और मोहम्मद ने कहने पायो परम विश्राम, पूर्णता को प्राप्त कर लिया। ईशावास्य की जो फिलसूफी है पूरी, ईशावास्य का लॉजिक है वो मोहम्मद के जीवन में पूरा, ईशावास्य का जो दर्शन है वो मोहम्मद के जीवन में पूरा उतर गया। तो दोस्तों मैं ये कहती हूँ कि धर्म सत्ता का अहंकार या कोई भी सत्ता हो, इसका अहंकार बड़ा भयंकर होता है, परंतु उस अहंकार के सामने अकड़ करना भी जरूरी नहीं है, अकड़ रहना, उस अहंकार के सामने झुक जाना भी नहीं है, उस अहंकार के साथ चलना भी नहीं है, परंतु आप अंतर्मुखी होकर ऐसा कुछ दिव्य पालो कि इल्म ऐसा दिया है जिसके तल में भी उजाला है, इल्म ऐसा दिया है जिसके तल में भी उजाला है। प्रणाम।